नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हैं और सबका अच्छा चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो भी कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होएगा ही होएगा, उसकी हम लोग हमेशा एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। आज में जीना का जो मज़ा है वो फ्यूचर का सोच के नहीं है, आज में जीने, आज का जी के खुश रहने की कोशिश करने की हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। आप लोगों के मैसेजेस मैं रीड करता हूँ और रिस्पॉन्स देता हूँ, जितना हो सके उतना मैं आपको लोगों को रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कुंडली रीडिंग आई हैं और आएंगी शायद। तो जो लोग मेरे चैनल को अभी नए पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल में वीडियोस पहली बार व्यू कर रहे हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 5 जुलाई तक मैं फ्री कुंडली रीडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कई सारी कुंडलियों की फ्री रीडिंग प्रोवाइड करी है और आगे भी मेरे 5 जुलाई तक मेरी ये दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरे राउंड पे मैं फ्री ऑफ कुंडली रीडिंग प्रोवाइड करूँगा कई कई सारी कुंडलीज की। तो अगर आप लोग अपनी कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग अपना बर्थ डिटेल, टाइम, प्लेस और नाम और अपने 2 सवाल जो आपकी चॉइस के हैं वो प्रोवाइड कर दीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके आपकी कुंडली मैं सिलेक्टेड कुंडलियों की जो एक प्रोसेस है उसमें डाल दूंगा और उस प्रोसेस में जो कुंडली मुझे पसंद आएगी, जो सिलेक्ट करूंगा, उन कुंडलियों की मैं फ्री कुंडली चार्ट रीड करूंगा। इस बार मैं कुंडली चार्ट ज़्यादा रीड करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कुंडलीज आई हैं और प्रीवियस में भी बहुत सारी हैं जिनको मैं चाहता था रीड करना लेकिन नहीं कर पाया। तो कोशिश करूंगा मैं जितनी हो सके उतनी कुंडली फ्री कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। आपके सिर्फ 2 सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो आप 2 सवाल अपने इंपॉर्टेंट जो आपको प्रायोरिटाइज करने हैं वो पूछिएगा, अच्छा सोच समझ के पूछिएगा। आप लोगों की एबिलिटी जो है वो आपकी सिर्फ इस कुंडली की रीडिंग में यही है कि आपका बर्थ डिटेल तो आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन आप अपने सवाल प्रॉपर तो पूछ सकते हैं। आज ये कुंडली चार्ट रीडिंग नहीं हो रही है, आज मैं फिर से अपनी स्टडी प्रोसेस में जा रहा हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में हो सभी लग्नों में तो क्या इफेक्ट देता है। उनमें से पहले लग्न का मैं मतलब एरीज एसेंडेंट के और एरीज लग्न के बारे में मैं आज बात करूंगा कि मरकरी अगर एरीज लग्न में पहले हाउस में हो तो क्या इफेक्ट देता है। आप लोग जो जो नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं आप लोगों को और हेल्प करना मोटिवेट हूँगा और आप लोगों को और भी ज़्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाऊँगा। आप लोगों की कोई भी चीज़ हो, एस प्रॉब्लम्स हो या आप लोगों के कोई इश्यूज़ हो तो उसके बारे में डिस्कस करने की जितना हो सके मैं उतनी कोशिश करूँगा। मेरी ये वीडियो बनाने की जो प्रोसेस है इसमें सिर्फ आप लोगों को पर्सनली आपकी कुंडली रीडिंग का नहीं है, मेरा अल्टीमेट प्रोसेस ये है कि आप भी एस्ट्रोलॉजी जितना हो सके उतना सीख पाएँ। तो उसी प्रोसेस में मैं आज मरकरी फर्स्ट हाउस में हो तो क्या इफेक्ट देगा, एसेंडेंट एरीज हो तो क्या रिजल्ट देगा, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो, हाँ, जो लोग पुराने हैं उनको मैं बोल देता हूँ जिनका अभी तक नहीं हो पाया है कुंडली रीडिंग, मैंने पहले भी बोला है, आप अपनी कुंडली में अपने व्हाट्सएप पे 5 जुलाई लिख के रिपीट लिख के भेज दीजिए, मैं आपकी कुंडली कंसिडरेशन में डाल दूंगा। कईयों ने भेजा है, कुछों ने नहीं भेजा है क्योंकि मेरे पास पुराने मैसेज नए मैसेज इतने आ गए हैं कि पुराने मैसेज मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप फिर से भेज देंगे तो मैं वो कंसिडरेशन में ले लूँगा। आज ये मरकरी की हम लोग कुंडली रीडिंग करने वाले हैं, जो फर्स्ट हाउस में हो, एसेंडेंट में हो तो क्या रिजल्ट देता है वो बात करने वाले हैं। तो मैं उसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ में इंसान को कर्म पे ध्यान देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए और वो जो कर्म कर रहा है वो उसे साइलेंटली करना चाहिए। साइलेंटली मतलब अपना काम करते रहें, दूसरों को ये जताने की ज़रूरत नहीं है आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या उपलब्धि है। उपलब्धि हो जाएगी तो अपने आप दिख जाएगा, अपने आप सक्सेस मिल जाएगा तो दुनिया को दिखेगा आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन किसी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इंसान को सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपकी आकांक्षाएं, आपकी एक्सपेक्टेशन और मेहनत का फल आपकी उपेक्षा के अनुसार होए
तो अच्छा, ना होए तो नहीं अच्छा, है ना। लेकिन ऐसा मत सोचिए, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बन रही है किसी चीज़ की तो वो आपको स्ट्रेस में डालेगी। तो अपना काम करते रहिए, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस को दबाइए कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपने काम में जो मुझे जितना मिले उतने में मैं खुश हूँ। देखिएगा ज़िंदगी में काफ़ी आसान होगी ज़िंदगी। मैं कोशिश आपसे यही कर, मेरे सारा कोशिश यही है कि आप लोग इस प्रोसेस में समझें और इस प्रोसेस में चलने की कोशिश करें, जिसकि इंसान को अपना काम पे ध्यान देना चाहिए। एक्सपेक्टेशन सिर्फ स्ट्रेस प्रोवाइड करती है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा अगर आप करेजियस हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आप चार्ट ट्रीट करते हैं मरकरी का, अगर फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में बैठा हो, एरिस लगन का हो, तो क्या असर करेगा वो मरकरी के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले है मरकरी अभी असेंडेंट एरीज है, वहाँ बैठा है, तो एरीज रूल्ड बाय मार्स, राइट। मार्स मंगल से ये रूल करता है एरीज। पहले घर में बैठा हुआ मरकरी या कोई भी प्लैनेट खराब रिजल्ट नहीं देता, ये हम सब जानते हैं। वो कोशिश करता है उसके खराब जो अगर रिजल्ट हो वो कम हो जाता है फर्स्ट हाउस में बैठता है। तो यहाँ पे मरकरी थर्ड हाउस का ओनर होके, ये थर्ड हाउस है और सिक्स्थ हाउस का ओनर होके, सिक्स्थ हाउस है, इन दोनों का ओनर होके फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है। अगर हम कैलकुलेट करें तो थर्ड हाउस से ये 11वें घर में बैठा है और सिक्स्थ हाउस से 8वें घर में बैठा है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो और मरकरी एक्सपेक्ट कर रहा है सेवन्थ हाउस को, तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मरकरी हमेशा सेवन्थ हाउस को एक्सपेक्ट करेगा। अब ये रिजल्ट ये देगा कि अगर आप मेहनत करेंगे, करेज करेंगे, हिम्मत करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको आपकी आपको अपना बेनिफिट देगा मरकरी यहाँ पे बैठे हुए। सक्सेस ज़रूर मिलेगा, स्लो मिले फास्ट मिले, मरकरी स्लो नहीं देता है लेकिन सक्सेस देता है। यहाँ पे बैठा हुआ कर आपको मेहनत करवाएगा तभी सक्सेस प्रोवाइड करेगा, आपको अच्छा पैसा देगा। कम्युनिकेशन में अगर आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने बिजनेस में कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी डीलिंग हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, लिटिगेशन हो गया, तो आपको अच्छा बेनिफिट देगा मरकरी यहाँ पे। अगर आप बिजनेस कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, मेहनत रहेगी, स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आपको कंसल्टेंसी में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस बेस्ट रहेगा अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, क्योंकि मंगल हमेशा प्रॉपर्टी में अच्छा सपोर्ट दे देता है और कम्युनिकेशन में देता है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव कम्युनिकेशन होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा जी कि आप कम्युनिकेशन अगर आपका अपना बैलेंसिंग रखते हैं तो आपको कम्युनिकेशन के कंसल्टेंसी और बिजनेस में आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मरकरी सेवन्थ हाउस को देख रहा है और अगर हम सेवन्थ हाउस से थर्ड हाउस देखें तो एक भाग्य का स्थान बन जाता है और भाग्य का स्थान बन जाता है सेवन्थ हाउस है। शादी के बाद ज़रूर हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, शादी के बाद आपका ग्रोथ ज़्यादा हो, आप मेहनत ज़्यादा करें और आपको सक्सेस अच्छा मिले। यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड यहाँ पर ये है जी कि यहाँ पर भी छोटी मोटी ट्रैवलिंग और छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ या एक्सीडेंट्स के इश्यूज़ होते हैं, और सिक्स्थ हाउस का भी मरकरी यहाँ पे सिक्स्थ हाउस का भी ओनर है, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। आपको अपने हेल्थ को रिलेटेड कंसर्न रखना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिकली पेट से रिलेटेड चीज़ों से आपको कंसर्न रखना पड़ेगा अपना। अपने फिटनेस पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर मरकरी सिक्स्थ हाउस का ओनर होके फर्स्ट हाउस में बैठा, हो सकता है वेट गेन या दूसरी प्रॉब्लम से आपको परेशान रखे, तो आपको अपने सिक्स्थ हाउस के ओनर को अच्छे बिहेव करने के लिए आपको अपने हेल्थ पे कॉन्शियस रखना पड़ेगा। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान रखिए, तो आपको ये मरकरी ज़्यादा कोई नुकसान प्रोवाइड नहीं करेगा। मरकरी का उपाय कर सकते हैं आप, जो भी है वेनसडे को आप कुछ उपाय कर सकते हैं या रोज़ का जो भी उपाय होता है मरकरी का वो आप करिए, आपके लिए बेनिफिशरी रहेगा। वाइफ़ के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा और कम्युनिकेशन यहाँ बैठा हुआ मरकरी काफ़ी हद तक आपकी एग्रेसिव नेचर को काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन में स्लो डाउन करेगा और उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे वीनस के साथ मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बीवी एक फीमेल, प्रॉपर फीमेल कैरेक्टर है, वो काफ़ी सुंदर हो सकती हैं और उनका बिहेवियर भी पूरा फीमेल रहेगा और आपका कैरेक्टर पूरा मैनली, एक मेल कैरेक्टर है। अगर ये फीमेल की कुंडली है तो आप काफ़ी मैनली होंगी लेकिन आपका
आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका काफ़ी स्मूथ हो जाएगा अगर मरकरी यहाँ बैठा हुआ है तो। हस्बैंड अगर आपके हैं या आपकी वाइफ है, वो दोनों काफ़ी सॉफ्ट नेचर के हैं, और मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ मंगल उस सॉफ्ट नेचर को प्रॉब्लमेटिक करता है, क्योंकि आप एग्रेसिव हैं, नेगेटिव अट्रैक्ट्स वाली बात आ जाती है। तो लेकिन यहाँ मरकरी यहाँ पे उस चीज़ को लॉन्ग टर्म रखेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट देगा आपकी पर्सनल लाइफ में। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा जी कि अपने हेल्थ का और उनके हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और ये भी हो सकता है जी कि उन वो आपके आपकी जो वाइफ हैं वो बाहर से हो या आपके साथ डिस्टेंस में रहे। तो अपनी कम्युनिकेशन में अग्रेशन मत लाइएगा, अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, तो हो सक पूरे चांसेस हैं जी कि आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। लॉन्ग डिस्टेंस भी होए तो भी अच्छा रहेगा। अपने आप को समझाने, अपने आप को मेडिटेट करिए, या अपने आप को नॉलेज प्रोवाइड करिए, एजुकेशन में अपने आप को डालिए, ताकि आपका रिलेशन, आप ज़्यादा परेशान ना हो ज़िंदगी के उन चीज़ों से जिन चीज़ों से दुनिया परेशान रहती है। तो आप अपने आप को उससे दूर रखेंगे तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। बात यहाँ पे बैठती है कम्युनिकेशन की, मैंने बोल ही दिया, अपने कम्युनिकेशन से आप कमा पाएंगे। तो ये था रिव्यू मेरा मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में हो एरिस एसेंडेंट का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और मैं अपने आप मोटिवेट रख पाऊँगा जो कि और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू।